सियासी पारा तब चढ़ गया जब कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने अधिकारियों को लेकर के गंभीर आरोप लगा दिए। इस पर अब वार पलटवार का दौर भी देखने को मिल रहा है। पूरा मामला दरअसल है क्या, जरा देखिए। तो मैंने क्या एसपी तेरे सरी के 50 घूमते मेरे लोड मत लेना, पक्का आदिवासी में निपटा दूंगा। जी हाँ, मन से अधिकारियों को धमकाते ये पूर्व मंत्री और गंधवानी सीट से कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार। अलीराजपुर में विधायक उमंग सिंघार खुले मन से एसपी और पुलिस अधिकारियों को चेतावनी दी। उमंग सिंघार ने धार जिले के एसपी को बीजेपी का दलाल बता दिया, साथ ही एक किस्सा सुनाते हुए एसपी को धमकी भी दे डाली। गंधवानी से कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार ने मन से न सिर्फ एसपी को धमकाया बल्कि उन्हें काफी भला बुरा भी कहा। दरअसल उमंग सिंघार अलीराजपुर में जन आक्रोश सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अफसरों को चेताया कि अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं कराए तो अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना। भाजपा का दलाल है जो धार के अंदर बैठा है एसपी, मेरे को बोलता है एक बार फोन लगाया, चार पांच फोन लगा के, तो बोलता है आपके 120 भी कर दूंगा, आपकी भी साजिश कर दूंगा। तो मैंने क्या एसपी है तेरे सरी के 50 घूमते मेरे लोड मत लेना, पक्का आदिवासी में निपटा दूंगा। मैं प्रशासनिक अधिकारियों कहना चाहता हूं जो भी सुन रहे हैं कि आप सब निष्पक्ष होके चुनाव कराए तो हम आपका ध्यान रखेंगे। अगर आपने भी निष्पक्ष होकर चुनाव नहीं कराया तो अभी से अपने बोरिया बिस्तर बांध लेना, अलीराजपुर से कहना चाहता हूं। उमंग सिंघार के धार एसपी को निपटाने वाले बयान पर बीजेपी के पूर्व विधायक नागर सिंह चौहान ने भी पलटवार किया। मैं उनकी जो भाषा है उसकी घोर निंदा करता हूं। अगर उमंग सिंघार में इतना दम है, वो कहता कि मैं आदिवासी हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो ये बातें अलीराजपुर जिले में आके बताने की जरूरत नहीं है। आपको अगर वहां के एसपी से अगर कोई लड़ाई है तो धार में जाके बैठ के बात करना चाहिए, क्या तकलीफ है, और उसको निपटाना चाहता तो उसको निपटा दे, सरा निपटा, को क्या दिक्कत है। बता दें कि 2022 में पूर्व मंत्री उमंग सिंघार के खिलाफ उनकी पत्नी और कांग्रेस नेत्री ने शिकायत की थी। सिंघार पर शोषण और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया गया था। इस पर विधायक के खिलाफ रेप समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। केस दर्ज होने के बाद से ही सिंघार फरार। उन्होंने एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट इंदौर में अग्रिम जमानत के लिए भी आवेदन दिया था जिसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी और सिंघार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने 21 सितंबर को उमंग सिंघार के खिलाफ हुई एफआईआर को रद्द करने का आदेश दे दिया था।